बच्चों तुम्हारी हॉलीडे की छुट्टी पूरी हो चुकी है, होमवर्क कौन कौन निकल के लेके आया? इरे जमशेद के तेरी ड्रेस कहाँ? खड़ा हो जा। वो मास्टर जी बरसात चल रही है ना तो मेरी ड्रेस बारिश में भीग गई। यू बहाना ना चलने का, ये तो बहुत पुराना होगा। लो यू समझ लो, आंधी में उड़ गई। नहीं नहीं मास्टर जी, ये झूठ बोल रहा। ये मुझसे रास्ते में ये बोल रहा, स्कूल में नई नई लड़की आई है, इसमें तेरा भाई मॉडल बन के जा रहा। झूठ बोलेगा। ये बताओ छुट्टियों का होमवर्क किस किसने करा? जिसने करा वो क्लास में बैठ रहा, बाकी बाहर निकल जाओ। इरे कहाँ जा रहे हो? घर को जा रहे। इरे जमशेद ये ना ऊपर को लेकर आ जा। हैंगोड़ी वापस आ गए। अगर प्रिंसिपल को पता चल जाती ना, पिछवाड़े का पछेड़ा बना देता मेरे। ओ मास्टर जी, ओ मास्टर जी, ओ मास्टर जी। अब भी एक बच्चे का मैं कहाँ है हूँ? ओ मास्टर जी, ओ मास्टर जी। ओ मास्टर जी तुम पढ़ाई में लग रहे हो, बाहर देखो बाहर क्या हो रहा। My God! Oh, भाई! अबे क्या चीज़ है यू? अबे मोंटी तू गलती कर रहा है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अबे साले तू कोई भी हो, तेरा बाप मैं। अच्छा जी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब छोड़ दो। अरे भाई साहब छोड़ दो, मैं तो शाहिद कपूर का डायलॉग बोल रहा। अबे शाहिद कपूर का पक्का फैन हूँ, इस मारे तो छोड़ रहा हूँ। अरे भाई साहब छोड़ दो। अबे तुम ये जानता ना, मैं ना मोहन दादा का कराले का बदमाश हूँ, बदमाश। चल जा। अरे मैं ये बचा ले। अरे बाबा। अरे क्या होगा मोंटी दादा? बड़ा जोर बनाया ताले ने। नाला तुम मुझे छोड़ के भाग के, तुम्हें गैंग में से निकालूंगा। अरे छोड़ो मोंटी दादा, तुम तो ऐसा हर बार ही पिटते रहो। मोंटी दादा देख लो, हमारे ज्यादा फ्री में काम करने वाला मिलने का ना। चलो तो आओ ना निकाल ला। सानावा जैसे क्या अर्जेंट काम है जो तूने हमें स्कूल से बुला लिया? अर्जेंट काम यह है, कल जो एसपीसी पाया था ना वो झाल की तरफ गया है, उसे देखने चलते हैं। तो रेडियो सब आज के बंक में पूरा मजा आने वाला है, चलो। तो रुको भाई, मेरी अम्मी ने मना कराया इसी जगह जाने को। भाई मैं नहीं जा रहा इसी जगह। भैया मैं भी नहीं जा रहा इसी जगह। अब शाहनवाज यार इनने तो प्लानिंग कैंसिल करवा दिया। कैसे? अब जंगल में मुंड यू तो बनवाता। ओ दुखी। चल कोई बात ना, पीछे है तो गायू, यू जंगल में मुंड बनवा देगा। यू भी इस काम करता है? हाँ। अब मेरे होते हुए काहे की दिक्कत है? गालिश दे, यहाँ की तो घास तक भी जली पड़ी है। ओ माय गॉड, शायद ये स्पेसशिप यहीं उतरा है। अबे दानिश देख, अबे ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन के पैर हैं। आओ चलो चल के देखते हैं। इसके पैर का साइज नाप के बता सकता हूँ, कम से कम 2.5-3 फीट का एलियन हो। फिर तो उसके औजार का भी साइज नाप का बता देगा कितने फुट का। अबे यू ऐसे थोड़ी पर रख रहा प्रिंसिपल के पास, औजार ही नापे इसने।
अबे छाटू ये बात छोड़, जंगल की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है जंगल की तरफ उगा एलियन। अबे यार जल्दी चलो, मौसम भी बिगड़ा पड़ा। गाइस रुको, टाइम बहुत हो चुका है, ऐसे तो वो हमें नहीं मिलेगा, हम सबको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात कही है तूने। तू इधर जा और तू इधर जा और तू इधर जा और मैं इधर जाता हूँ। धप्पा! अरे गाला मर गया, हड्डी तोड़ा नर का। मोंटी दादा, मोंटी दादा गजब हो गया। अबे क्या हो गया बे? वो अबे वो क्या भेसड़ी के? वो सलमान गफ्फारी का लौंडा हरे से आदमी के साथ जंगल में घूम रहा तुम्हें मारने के लिए। अच्छा उसकी है मजाल, चलो। मोंटी भाई कह रहा। कौन है तुम? तेरा बाप। चलो। अबे साले सलमान का भारी के लौंडे तू। साले कहाँ मिलेगा ये सलमान का भारी का लौंडा? अबे हड्डी तोड़े तुम मुझसे मिलने आया है वापस? अबे तुझसे मिलना है मेरा स्पेसशिप, वो तो मेरी जान का तेरे फटी में घुमा रहा से। बॉस बोल रहा, वो तो पकड़ो। अबे भाग मोंटी आगा। मोंटी भाई क्या हुआ? दिख जाएगा साला, बता किधर है? अरे नहीं नहीं मोंटी भाई, इतनी देर से भाग रहे हैं तो भूख लग रही है। अबे तंबू कट गया, अभी तो तूने अंडूरे खाए तो थे। अबे मोंटी भाई मैंने नगाया नूरे, इन नगाई इसका मुंह भी सना पड़ा। झाटू मैंने तो बस रायता रायता ही तो प्या। मोंटी भाई मुझे भी भूख लग रही, मैं अभी कुछ खाऊंगा। ले यूरा बिना हड्डी के चिकन रोल इसे खा ले। साला मैं भी तो इतनी देर से भूखा, मैंने कही तुम दोनों से। अरे बोस सामने दुकान है, तुम्हारी पावर भी चलती है, जाओ यार ले आओ कुछ। चल बॉय, एक एक लीटर की बोतल और ये तीन चार नमकीन के डिब्बे दे। दे रहा भाई, रुक जाओ। लो, अरे वो पैसे दे दे, खाते में लिख ले। अब होटल के तेरे बाप का घर चल रहा है। अबे तू जानता ही नहीं है क्या मेरे को, मैं चेहरे का बदमाश हूँ मोंटी भाई। पर तू ज्यादा 36 बदमाश आवे यहाँ पे। अरे लो भाई साहब गोली मत मारियो। हाँ प्रिंसिपल सर। जंगल में स्कूल के बच्चों की डेड बॉडी मिली है, तुम कहाँ पर हो? सर मैं जंगल से बाहर निकलने वाला हूँ, जल्दी से स्कूल की तरफ आओ, गांव में धारा 144 लग चुकी है। कमिश्नर सर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वापस आने की। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? ना सर मेरे साथ कोई भी नहीं है। ओ शिट यार, क्या हो गया? अबे यार मेरे साथ जो 3 स्टूडेंट आए थे वो मारे गए। लगता है ये उसी का काम होगा। उसका किसका? रेडमैन, वो धरती पर आ चुका है मेरे पीछे करते हुए। तेरा पीछा करते हुए क्यों? क्योंकि हमारे प्लेनेट पर एक राजा होता है, उसकी एक बदसूरत सी बेटी है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक दिन मुझसे जिद कर रही है कि खेल खिलौनों से खेलूंगी।
तो मैंने अपना खिलौना उसके हाथ में दे दिया नूले खेल ले। महाराजा ने मुझे देख लिया, उसे लगा कि हम संभोग का इरादा बना रहे हैं। तो फिर हो गया क्या? मूड होगा, राजा ने अपने सैनिक रेडमैन को मेरे पीछे और लगा दिया। तो रेडमैन भी तेरी तरह फर्जी होगा? नहीं नहीं, तुम्हारी धरती के आदमी को इस तरीके से मार सकता है। अबे हड्डी तोड़े, तेरे पे तो जादू वादू आता है, तू क्यों डर रहा है? अबे जादू वादू की माँ के चूत, तभी गंडे वाला समझ रखा है। अबे साले तुम मरवा मत दिए मुझे भी। अरे मोंटी भाई क्या हुआ, लाए ना कुछ खाने को? अबे यार वो बहुत ज्यादा गरीब आदमी था, उसकी जवान बहन की शादी थी, इसलिए मैंने उससे उधार नहीं लिया। अरे वो किधर गया? मोंटी भाई उसकी अम्मी आई थी, उसे ले गई और तुम्हें सलाम बोल गई। वालेकुम सलाम। और क्या 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 गई मोंटी भाई? ये क्या क्या गई मोंटी? बड़वे भाड़ू, अगर अब का मेरे लोंडे को अपनी गैंग में धर लिया तो मोंटी तेरी गांड में फेर दूंगी, इतनी झाड़ू। उमा देखिए रंगीन टीवी कौन आ रहा है, इसे लूटते। अबे जाओ यार। ओए रंगीन टीवी के भूखी मेमोरी रुक। अबे भोसड़ के इतना मत चिल्ला, नहीं दस निकल जाएंगे। जानता ना मोंटी भाई में, जो भी कुछ जेब में निकाल। अब आवाज जाती बह रहा है क्या? निकाल जो भी कुछ जेब में। अरे भैया मुझे मत मारो, मुझे मारने से पहले मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। बोल क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? मेरा दुश्मन एक सलमान गफ्फारी का लौंडा, उसके साथ एक हरासा आदमी है। हरासा आदमी? ऐसे ऐसे तो ना चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे चलता। वो मादर चोद एलियन है मेरा दुश्मन, और जो उसके साथ है वो तेरा दुश्मन। ले तो ले उसके पास पहुँच। मुझे तेरी कहानी में मजा ना आया, ना ही मुझे तेरी कहानी पर कुछ विश्वास है। विश्वास तो हो जाएगा जिस दिन रेडमैन तेरे सामने आ गया। सलमान गफ्फारी के लौंडे। अरे भाग, अगर आज भागा तो सारी जिंदगी भागना पड़ जाएगा। चल तो माफी मांग रहा था, छोड़ लूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और गाइस कमेंट में बता दें वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।